खाने के साथ हम सलाद का प्रयोग करते हैं, अक्सर हमारा सलाद बच जाता है, तब समझ में नहीं आता कि सलाद का क्या करें। आज हम बचे हुए सलाद से हेल्दी रेसिपी बनाएंगे, आज हम बचे हुए सलाद से सूप बनाएंगे। ये पीने में बहुत टेस्टी लगता है और फटाफट बन के तैयार हो जाता है। नमस्कार, मैं प्रीति, प्रीति सैफ्रॉन में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए अब हम देखते हैं कि बचे हुए सलाद से सूप कैसे बनाते हैं। हमारा ये थोड़ा सा सलाद बच गया है, जिसमें थोड़े से खीरे के टुकड़े हैं, टमाटर है, चुकंदर है। हम इनका सूप बनाएंगे। सूप बनाने के लिए हम इन सभी को बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे। प्रेशर कुकर में हम इन सभी को डाल देंगे। अब हम इसमें लगभग 2 कप के करीब पानी डाल देंगे। ये हमारा सलाद 1.5 कप के करीब होगा, इसमें हम 2 कप के करीब पानी डाल देंगे और 1 टीस्पून हम नमक डाल देंगे। अब हम तेल लगाकर प्रेशर कुकर को गैस पर रखेंगे। हमने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब हम प्रेशर कुकर में 2 सीटी आने देंगे और फिर गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और फिर प्रेशर कुकर का जब प्रेशर ठंडा हो जाएगा फिर हम चेक करेंगे। प्रेशर कुकर का प्रेशर ठंडा हो गया, अब हम चेक कर लेते हैं। हमारा सूप बॉईल हो गया है, अब हम इसको ठंडा करके पीस लेंगे। हमने सूप को मिक्सी के जार में पीस लिया है, अब हम एक छलनी की सहायता से इसको छान लेंगे। छलनी में ये बच गया है, इसको अब हम हटा देंगे। अब हम सूप को बॉईल करेंगे। अब हम एक पैन लेंगे, पैन में हम थोड़ा सा बटर डालेंगे। अब हम इसमें सूप को डाल देंगे। थोड़ी सी हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे। नमक हम पहले ही डाल चुके हैं, थोड़ा सा बस काला नमक डालेंगे और 2 बड़े चम्मच हम नींबू का रस डाल देंगे। अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सूप में एक उबाल आने देंगे। सूप में उबाल आ गया है, अब हमारा सूप सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। अब हम सूप को सर्व करेंगे। हमारा सूप बनके तैयार है। बचे हुए सलाद से बहुत ही स्वादिष्ट सूप बनके तैयार हुआ है। आप इसको जरूर बनाएं। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगली रेसिपी के साथ आपसे मिलते हैं। नमस्कार।